2022 में यूपी फतेह करने के लिए बीजेपी ने बनाया एचपीडी फार्मूला। 1989 के बाद इतिहास बदलने मैदान में उतरी पार्टी। अरविंद केजरीवाल को हुआ कोरोना, 2 जनवरी को लखनऊ और 3 जनवरी को देहरादून में बिना मास्क के की थी रैलियां। यूपी उत्तराखंड में हलचल, देवबंद में रखी जाएगी एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का आधारशिला। आज से यूपी के 7 नए शहरों में दौड़ेंगी ईसीटी बसें। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच खुले स्कूल, अभिभावकों ने ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की मांग की। तो 2022 में बीजेपी तोड़ेगी सरकार, न दोहराने का रिकॉर्ड, पिछले चुनाव से जीतेंगे ज्यादा सीट, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने किया दावा। लखीमपुर कांड को लेकर गृह राज्य मंत्री ने कहा था, बेटे के खिलाफ सबूत मिला तो इस्तीफा दे दूंगा। 4 सीट के बाद मुश्किल है बड़ी, क्या टैनी इस्तीफा देंगे? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी का तोहफा, 754 आंगनवाड़ी केंद्रों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। भाजपा सांसद के बाद विधायक भी नाराज, अधिकारियों ने नहीं सुनी तो समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए रामचरण वर्मा। मोगा में चुनावी रैली को छोड़ इटली गए राहुल, विरोधियों के ताने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया करारा जवाब। सीएम योगी ने भरण पोषण भत्ते की पहली किस्त जारी की, कहा अगले 4 महीने तक मिलता रहेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।